तो जो बात आपने की कि सबसे ज्यादा कमजोर पर ही आक्रमण होता है, तो सवाल ये कि लेखक या पत्रकार या रंगकर्मी या कलाकार जो समाज में है या फिल्मकार सबसे कमजोर क्यों? जब तक हम यहां से शुरुआत नहीं करेंगे शायद इस तरह घटनाएं होती रहेंगी। लखनऊ के अंदर राजेश कुमार का नाटक रैदास कहे रैदास चमारा नाटक मंचन होने से 2 घंटे पहले रोक दिया जाता है जी, रोक दिया जाता है। और लखनऊ के कलाकार रंगकर्मी लेखक और 5 लोग भी निकलकर रोज के लिए नहीं आते। दिल्ली में 2 कलाकारों को आतंकवादी बताकर हाईकोर्ट में बम के बाद उठा लिया जाता है। दिल्ली के रंगकर्मी छोड़िए, कलाकार या पत्रकार या तमाम लोग सड़क पर नहीं आते हैं और छोड़े फोन तक नहीं करते, कुछ हो गया। यहाँ बहुत बड़े बड़े कलाकार बैठे हैं दिल्ली के अंदर। जो दिक्कत ये है कि हमारे अधिकांश कलाकार हमारे लेखक के तमाम बंधु अपने निजी स्वार्थों के लिए जिस तरह सत्ता से जुड़े हुए हैं, कम से कम उसको समझने की जरूरत है क्योंकि उनकी जुबान खरीदी हुई है। कैसे हो सकता है कि यहाँ पर कमल भारती जी के साथ हो, दिल्ली से जो है जो बड़े बड़े पुरस्कार पाने वाले लोग हैं वो ना बोले, उनके बयान ना है, क्यों इतने दिन बाद यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है? क्यों नहीं एक्शन प्लान होना चाहिए? क्यों नहीं सारे लोग निकलकर उत्तर प्रदेश भवन के सामने जाए कि भाई ये जो हुआ है इसको बंद कीजिए और हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक आपके सारे मुकदमे नहीं हटाते। क्यों नहीं हो सकता इसको? क्यों होगा नहीं? क्योंकि जो हमारे जो बड़े नाम है वो जाकर अपने अपने कारणों से चुप रहते हैं। जब बहुत बड़ी घटना उनके साथ होती है तब अभिव्यक्ति का सवाल उठाते हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा अवसर है। जब अगर हम नहीं उठेंगे अभी, अगर नहीं बोलेंगे तो शायद फिर कभी नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि इस तरह घटनाएं लगातार हो रही हैं, लगातार बढ़ रही हैं। चाहे कबीर कला मंच का सवाल हो, चाहे दिल्ली का सवाल हो, उत्तर प्रदेश का हो, हर जगह, चाहे दलितों के अधिकारों का सवाल, हर जगह हो रहा है। और इसको क्यों नहीं हम यहाँ से एक एक्शन प्लान के तहत उठे कि हमें 2 दिन बाद 3 दिन बाद उत्तर प्रदेश भवन पर जाना है और हमें वहां पर जो धरना देना, क्यों नहीं हो सकता? इससे बातचीत से शायद हम सब जानते जो घटनाएं हो रही हैं उन्हीं की हम उनके कारणों का विश्लेषण ज्यादा करना जाता, लेकिन कारणों का विश्लेषण करने के साथ साथ एक्शन प्लान बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमें कमजोर नहीं दिखना है। जब हम कमजोर दिखाई देंगे तो हम जो है हमारा शिकार होगा ही होगा, और शिकार उसी को होता है जो कमजोर होता है। शुक्रिया।